नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि सरकारी बैंक में निकल के आ चुके हैं। सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम कोई फ़ी यहाँ पे आपकी नहीं रहने वाली है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हर एक अपडेट आपको मिलता रहे तो हमारी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए सिंपली गूगल में जाके हमारी वेबसाइट का आपको लिंक जो है वो टाइप करना है, आपको वेबसाइट पहले नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ जो कि इस रिक्रूटमेंट के बारे में रहने वाली है। इसके अलावा और भी कई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किया गया है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों ही इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, और इसमें आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ अप्लाई होगा कैसे इसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर PN की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि आउट करी गई हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था किसी तरह का कोई भी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपकी सबसे पहले इंटरव्यू होगी, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी अप्लाई करते समय आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, चाहे वो क्वालिफिकेशन के हों चाहे वो किसी भी तरह के हों, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी जो है सबमिट करवानी होगी, और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ऑफलाइन जो है अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन से मतलब है आपको एक फॉर्म दिया गया है जो कि आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से लिंक पे क्लिक करके PDF रूप में रहेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा पहले, उसके बाद उसको फिल कीजिएगा प्रिंट आउट लेने के बाद, और कटिंग मत कीजिएगा, वर्ड को एक दूसरे के ऊपर मत लगाइएगा। जैसे आप होता ना कटिंग कर देते हैं या फिर ऊपर एक के ऊपर एक वर्ड चढ़ जाता है, तो वो मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनको सेल्फ टेस्टेड करके साथ में अटैच कीजिएगा। एक आपकी फ़ोटो आएगी जो कि पासपोर्ट साइज़, ठीक है, जो आपने नॉर्मल जो होता है डार्क बैकग्राउंड के साथ नहीं रखना है, लाइट बैकग्राउंड के साथ रखना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करके फॉर्म को फिल करके लास्ट में सेल्फ टेस्टेड करके इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन PDF के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। ये आज का नोटिफिकेशन है, अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए